हाय टू फैमिली, आपका स्वागत है बबीता किचन में। आज हम बनाने आ रहे हैं सोयाबीन की बड़ी और आलू की सब्जी। अब हमारा प्याज भुन गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। इस तरीके से भुनने चाहिए प्याज। डालेंगे हल्दी इसमें और हल्दी को अच्छे से भुंजाने देंगे और इसमें डालेंगे हम आलू। आलू फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जब तक हमारे आलू ब्राउन नहीं हो जाते तब तक आलू इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। अब आलू हमारा फ्राई हो गया, ये देखो लाल लाल हो गया ना। अब हम डालेंगे इसी में सोयाबीन जो उबाल ली थी मैंने, उसको डालेंगे। इसी को इसमें फ्राई कर लूँगी सोयाबीन। कम से कम 5 मिनट ऐसी इसी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक अच्छे से हमारे सोयाबीन और आलू फ्राई नहीं हो जाता। और निकाल ले रहे हैं, दोनों फ्राई हो गए। आलू और सोयाबीन अच्छे से हमारी फ्राई हो गई। ये सरसों का तेल फिर तड़का लगाने छोंकने के लिए दोनों अच्छे से रखता। अब डालेंगे कटा हुआ प्याज। अब डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्च का। अब इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। अब हम लहसुन के साथ मसाला मतलब भुजेगा उतने ही अच्छा ही सब्जी की कलर भी अच्छा आएगा और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। अब डालेंगे इसमें टमाटर, 2 टमाटर लिए, उसको पेस्ट बना के डाला। अब इसको भी हम अच्छे से भूज लेंगे टमाटर को भी। अब इसको ना ढक के हम भूज लेंगे अच्छे से। अब प्याज भी हमारा अच्छे से भुन गया है। टमाटर मैं डाल दी, देगी मिर्च अच्छे से, इसको भी भून जाने देंगे अच्छे से। अब डालेंगे मसाले, हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर 2 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, ईद के लिए मिर्च, गरम मसाला। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मसाले को पकाएंगे। अब देखें मसाला हमारा पक गया कि नहीं। कितने अच्छे से मसाला हमारा पक गया और तेल छोड़ दिया। और इसमें डालेंगे हम दही 1 चम्मच, तो अच्छे से हम मिला लेंगे। जो मैंने प्याज भूंजा था और वो साबुत मसाले वो हमने सारे इसमें पीस लिए, वो डालेंगे। अब डालेंगे इसमें आलू और सोयाबीन की बड़ी, इसको अच्छे से मिला लेंगे। इतनी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से पानी डाल लो। अब सवाई हमारी बन के हो गई तैयार। हम डालेंगे धनिया, आपकी इच्छा हो धनिया डालो, पसंद हो धनिया तो डालो, नहीं पसंद हो तो मत डालो। तो हमारी सब्जी बन के हो गई परफेक्ट तैयार। अब हमारी सब्जी हो गई तैयार तरीके से। हम डालेंगे बॉल में, इस तरीके से बनाओ खाने में अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बनती है सारे। अब हमारी सोयाबीन आलू की सब्जी बनके हो गई तैयार। हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।